से बढ़ के मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। द एम इन लाइफ मेक्स अ मैन ग्रेट इफ रीच डार नॉट, विदाउट एम मैन इज एज ए डेड स्टोन। मकसद बंदे को अजीम बना देता है, चाहे बंदा अपने मकसद में पहुंचे या ना पहुंचे, और जिसका कोई जिंदगी में मकसद नहीं वो मुर्दा पत्थर है। जिंदगी में दो ही बड़ी ताकतें हैं, या जुबान की ताकत है या कलम की ताकत है। पिछला महीना अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पैदाइश का, और ये महीना जनाब हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का। दोनों के पास दो पावरें थी। अल्लामा इकबाल ने कलम उठाया तो अंग्रेजों ने भी सर झुकाया। आप हमारे अल्लामा हैं, आप हमारे सर हैं। जब अंग्रेजों ने आपको अल्लामा के खिताब दिया तो अल्लामा साहब ने फरमाया, मेरे उस्ताद को शम्मसुल उलमा का खिताब दो। अंग्रेजों ने कहा, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी हैं, उनकी कौन सी तहरीर है? तो अल्लामा साहब फरमाने लगे, ये तहरीर मैं हूं, ये उस्ताद जिसने मुझे बनाया है, ये तहरीर आपके सामने है। तो उनके उस्ताद को शम्मसुल उलमा का खिताब मिला। मैं इंग्लिश राइटर हूं, मैंने ये किताब लिखी है, और भी किताबें लिख रहा हूं, अब तीसरी किताब शुरू है। ये जो कुछ भी हूं, ये चक खैर शाह से दरियाओं से उठा के यहां दुनिया के सामने लाने वाला, ये राइटर बनाने वाला, और ये दुनिया को पढ़ाने वाला उस्ताद किसने पैदा किया? ये मेरे मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल रहमान साहब, मेरे उस्ताद खैर शाह के, मेरे छठी क्लास के उस्ताद हैं। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने ऐसा उस्ताद, जिनको ऐसा उस्ताद मिला, और आपका वो आज उस्ताद यानी मोहम्मद मुर्तजा भट्टू है। ये मुर्तजा भट्टू ना सिर्फ आपके सामने स्कूल में पढ़ाता है, बल्कि रात 9 से 10 बजे ऑनलाइन पूरी दुनिया को पढ़ाता है। आधा घंटा अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आधा घंटा मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। अगर आप फेसबुक पे मोहम्मद मुर्तजा भट्टू को लिखें तो पूरी दुनिया के सामने आप मुझे देख सकते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने ऐसे असातिज़ा का। तो मैं एक आखिरी शेर यही कहूँगा, किस कदर एहसान है मैं तो भुला सकता नहीं, मिला जो कदमों के इनसे वो बता सकता नहीं। अस्सलामु अलैकुम।